गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार बाय जॉन डन। गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, जाओ एक गिरते तारे को पकड़ो। गेट विद चाइल्ड है मैंडिक रूट, मैंडिक की जड़ से बच्चा प्राप्त करो। टेल मी वेयर ऑल पास्ट ईयर्स, मेरे को बताओ सारे भूतकाल के वर्ष कहाँ हैं। और हूँ क्लैप द डेविल्स फूट, डेविल्स के पैरों को किसने चीरा। टीच मी टू हेयर मरमैंडिंग मरमैंड्स सिंगिंग, मरमेड्स जलपरी का जो गीत है वो मुझे सुनना सिखाओ। और या टू कीप ऑफ ईवी स्टिकिंग, इंसान के मस्तिष्क से चिपकी हुई ईर्ष्या को हटाना सिखाओ। एंड फाइंड व्हाट वाइंड, और मुझे बताओ एंड फाइंड और पता लगाओ कि व्हाट वाइंड कौन सा मोड है। सर्व टू जो एडवांस एंड ऑनेस्ट माइंड, एक ईमानदार मस्तिष्क को आगे ले जाए। इफ दो बी बिस्ट बॉर्न टू स्ट्रेंज साइट, यदि तुम अद्भुत दृश्यों को देखने की क्षमता के साथ पैदा हुए हो। थिंग्स इनविजिबल टू, अदृश्य चीज़ों को देखने की क्षमता के साथ पैदा हुए हो। राइट 10,000 डेज एंड नाइट्स, 10,000 दिन और रात घोड़े से सवारी करो। टिल एक सनो वाइट हेयर ऑन दी, और तब तक जब तक तुम्हारे बाल सफ़ेद ना हो जाए बर्फ जैसे। दो वैन दो रिटर्न्स, यद्यपि जब तुम लौटोगे। विल टेल में मेरे को बताओगे बताओगे। ऑल स्ट्रेंग वंडर, सभी अद्भुत दृश्य। देट बी फेल दी, जो तुमने देखे। एंड शेयर, और कसम खाओगे कि नो वेहर की को लीव्स ए ह्यूमन ट्रू एंड फेयर्स, कहीं पर भी एक सच्ची और सुंदर महिला नहीं रहती है। इफ दो फाइंड एट वन, यदि तुम्हें वह मिली भी हो। लेट मी नो, तो मुझे बताना। सच ए पिलग्रिम वर सीट, तो ऐसा मेरे लिए पिलग्रिम होगा, धार्मिक स्थान होगा। वर सीट सुखद होगा। येट डू नॉट आई वुड नॉट गो, यद्यपि मैं नहीं जाऊँगा। दो एट नेक्स्ट डोर वी माइट मीट, चाहे भले वह मुझे पड़ोस में ही हमें या पड़ोस में ही मिल सके तब भी। दो यद्यपि शी वर ट्रू, यद्यपि वह सच्ची हो। वेन यू मेट हर, जब तुम उसे मिले हो। एंड लास्ट और अंत में, टिल यू राइट योर लेटर, और अंत में तुम उसे पत्र लिखते हो। येट शी विल बी फॉल्स, तब तक तो वह झूठी हो जाएगी। एयर आई कम टू ओ ट्री, और जब तक मैं आऊँगा वह दो या तीन को पत्र लिख देगी। तो जॉन डन यहाँ पर 7 इम्पॉसिबल चीज़ें बता रहा है इंसान के लिए। गिरते तारे को पकड़ना, मैंडिक रूट से बच्चा प्राप्त करना, भूतकाल के दिन कहाँ गए ये बताना, शैतान के पैर किसने चीरे, मरमैंडिंग सिंगिक जलपरी के गीत को सुनना सिखाना, और इंसान के मस्तिष्क में जो बुराई ईर्ष्या होती है उसे हटाने का तरीका, और एक ईमानदार इंसान आगे कैसे बढ़े उसका तरीका। तो ये 7 इम्पॉसिबल चीज़ें हैं जो जॉन डन किसी व्यक्ति से कह रहा है कि इन चीज़ों को पूरी करके दिखाओ। और लास्ट में उसने एक महिला का उदाहरण दिया है इन सब के अलावा, कि एक सच्ची और ईमानदार महिला भी नहीं मिलेगी। जॉन डन के टाइम पर ऐसी मान्यता थी कि सच्ची और सुंदर महिला नहीं मिल सकती।